पिछले कुछ एक दिनों में देश में जो गतिविधियां हुई वो निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में थी और राष्ट्र के हित में हैं। इस पे गर्व करना मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। वाह, कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद राम भाई, जिंदाबाद। वाह, लोगों ने कहा कि वहां यूनिवर्सिटी बना दो। मैंने कहा यूनिवर्सिटी चंबल में ले आओ, वहां जरूरत है और हमारे यहाँ बहुत जगह है, बहुत जगह है। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद भाई राम, जिंदाबाद। वाह, तो पूजने प्रचंड मार तंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान मान पूजने चले। हमारा आपका दायित्व क्या बनता है? पूजने प्रचंड मार तंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान मान पूजने चले। गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। जो दगे है धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को, कार सेवकों का देहदान पूजने चले। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भाई, जिंदाबाद। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन बंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। वाह सुंदर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। तो कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? वाह, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए मंदिर विरोध में प्रश्न उठाने वाले? कहां गए सरयू का नाम निशान मिटाने वाले? कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? जिंदाबाद। जगत के नियंता राम, शेष नाग, लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दें। वाह, जगत के नियंता राम, शेष नाग, लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दें। पूजत हैं जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मत, केवट को तेरत दो भैया दिखाई दें। पूजत है जिनको सुर योगी मुनि ध्यान मत, केवत को तेरत दो भैया दिखाई दें। ओ करने को धार पार गंगा की आज प्रभु, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दें। खलन के खलैया लड़ैया रमैया, राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दें। वाह वाह भाई राम, वाह 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 वाह, अरे भैया राम जिंदाबाद। खलन के खलैया लड़ैया रमैया, राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दें। प्रवीण भैया को मैं लगातार सुनना चाहता हूँ, बड़े मन के मेरे प्रिय कवि हैं, बेशक, लेकिन अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। राधा कृष्ण की बात हुई, प्रेम की बात हुई, प्रेम बड़ा ही शाश्वत और विराट स्वरूप प्रेम का है, मेरा ये मानना है और पूरी नियति पूरी प्रकृति ये मानती है। जितना हमको गया बताया उतनी भी मजरूर नहीं थी। वाह, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए शांति दीजिए बस। हाँ, जितना हमको गया बताया उतनी भी मजबूर नहीं थी। कृष्ण प्रेम में राधा रानी शायद इतनी चूर नहीं थी। वाह, मोहन गए नहीं आए तो उनका छलिया नाम रख दिया, लेकिन गोकुल से मथुरा भी बहुत अधिक तो दूर नहीं। अरे जिंदाबाद, वाह, अरे वाह वाह वाह।
अरे जिंदाबाद, वाह राम वाह। मुझे बड़ा अच्छा लगा आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मोहन गए नहीं आए तो उनका छलिया नाम रख दिया, लेकिन गोकुल से मथुरा भी बहुत अधिक तो दूर नहीं थी। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। वाह, सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। कईयों धाराएं टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। वाह 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 राम जिंदाबाद। अरे माहौल बना दिया, वाह कवि सम्मेलन उठा दिया, वाह भाई राम वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद, अरे अद्भुत है भैया, अद्भुत है, बहुत सुंदर राम, बहुत सुंदर, अद्भुत है यार, क्या बात, वाह। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत की, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। और प्रवीण भैया सुनना आप, जिसको समझते थे नाजुक नादान, हमें ज्ञात ही नहीं था कि प्रहार कर लेती है। अमूमन में ऐसी पंक्तियां पढ़ता नहीं। जिसको समझते थे नाजुक नादान, हमें ज्ञात ही नहीं था कि प्रहार कर लेती है। छल को भी छलने का मंत्र जानती है, और टोटके भी अद्भुत हजार कर लेती है। मधुरिम मन भावन प्रकल्प मोह लेने का, आंखों से जाने किस प्रकार कर लेती है। अनुभव यही है, छलावे की दुनिया में हिरनी भी शेर का शिकार। जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद, हिरनी भी शेर का शिकार कर लेती है। वाह 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 वाह। प्रेम की पराकाष्ठा की बात हुई साहब, अनुभव यही है, दिलवालों की दुनिया में हिरनी भी शेर का शिकार कर लेती है। उनको मुस्काने देता था प्रेम की पराकाष्ठा, उनको मुस्काने देता था मैं उनके रोने से पहले। मैंने खुशियां बो रखी थी उनके गम बोने से पहले। हम दोनों ने इतना प्यार किया था कहा नहीं जा सकता। सुधार करता हूँ, मैंने इतना प्यार किया था कहा नहीं जा सकता। बच्चों के भी नाम रख लिए थे बच्चे होने से पहले। अरे वाह भाई राम वाह, क्या बात है वाह, अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए, वाह राम वाह, ये तेवर पहली बार देखा हमने। हमने इतना प्यार किया था कहा नहीं जा सकता। बच्चों के भी नाम रख लिए थे बच्चे होने से पहले। प्रभु राम नाम का ढिंडोरा पीटती है किंतु राम जी के नाम का आलाप चुनती नहीं। प्रभु राम नाम का ढिंडोरा पीटती है किंतु राम जी के नाम का विलाप चुनती नहीं। राम जी के राग का आलाप चाहती है किंतु राम जी के नाम का प्रताप चुनती नहीं। पूजती है राम, राम राम करती है किंतु जंगल के जीवन का जाप चुनती नहीं। दुनिया चुन लेती है शीतल शशांक किंतु दिनकर की आभा का ताप चुनती नहीं। वाह 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 वाह, अद्भुत है भैया, अद्भुत है, वाह। चाहते तो खूब रहे नयनों के सागर में डूबकर गोते लगाएं बार बार हम। अद्भुत है यार, अद्भुत है वाह। चाहते तो खूब रहे नयनों के सागर में डूबकर गोते लगाएं बार बार हम। पूनम के चंद्रमा को जीवर निहारें और बाहों में अपनी झुलाएं बार बार हम। पूनम के चंद्रमा को जीवर निहारें और बाहों में अपनी झुलाएं बार बार हम। रूप यौवन की मदकाती मादकता में मनवा का मयूरा उड़ाएं बार बार हम। लेकिन हमारा पसीना सूखता ही नहीं, कितना भी इसको सुखाएं बार बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन हमारा
पसीना सूखता ही नहीं, कितना भी इसको सुखाएं बार बार हम, इससे हूं इसमें ही मिलना पड़ेगा मुझे, इसीलिए खुद को न्यौछार करता हूं मैं। इससे हूं इसमें ही मिलना पड़ेगा मुझे, इसीलिए खुद को न्यौछार करता हूं मैं। लेती है बलैया मेरी बार बार दुलरा की, इसीलिए इसको दुलार करता हूं मैं। होती है थकान तब इसके ही आंचल में, लेट कर बातें कई बार करता हूं मैं। माथे का पसीना मेरा चूमती है मातृभूमि, इसीलिए इसको ही प्यार करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे अद्भुत है भाई, राम भाई अद्भुत है। माथे का पसीना मेरा चूमती है मातृभूमि, इसीलिए इसको ही प्यार करता हूं मैं। तो देश की धरोहरों से पूछता हूं, देश पर आने वाले संकटों को आज भांपता है कौन? स्वार्थ सिद्धियों का जाप देखते हुए हजार बार सोचता हूं, त्याग मंत्र जापता है कौन? राष्ट्र अश्वमेघ यज्ञ ठानना बड़ी है बात, यज्ञ की महान ज्वाल लाल तापता है कौन? राम आज छातियों का नाप नापते हो, किंतु दानियों की छातियों का नाप नापता है कौन? वाह 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 वाह, बहुत सुंदर राम भाई, बहुत सुंदर अद्भुत। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? आरोप तो लगा देते हैं, आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेंगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी व नाहर जनेगा कौन? वाह 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 वाह, अरे वाह भाई वाह वाह, राम जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी व नाहर जनेगा कौन? जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। किसी उपवन में यदि होते नहीं शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते। वाह 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 वाह, अरे वाह राम भाई वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर वाह। किसी उपवन में यदि होते नहीं शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। हे मुक्त कंठ के स्वर वालो, थोड़ा सा तेज भरो रे, कर्म ज्योत प्रकटा कर भारत की आरती करो रे। उठो सफलता के सूरज से आंख मिलाने निकलो, जीवन है संग्राम स्वयं से युद्ध रचाने निकलो। हर उलझी स्थिति सुलझेगी, बस सुलझाने निकलो। गुमनामो दुनिया को अपनी पहचान बताने निकलो। ओ विशालता के स्वामी, क्यों तुच्छ हुए फिरते हो? युद्ध पोत हो फिर किस कारण तिनके से तिरते हो? कौन सा सूर्य जो तेरे आगे तेज नहीं खो सकता? वह सिंधु कौन सा है जो तुमसे पार नहीं हो सकता? कौन सा सूर्य जो तेरे आगे तेज नहीं खो सकता? वह सिंधु कौन सा है जो तुमसे पार नहीं हो सकता? कौन सा युद्ध है जिसे जीतने का सामर्थ्य नहीं है? किसने तुमसे कह दिया तुम्हारा कोई अर्थ नहीं? वाह 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 वाह, किसने तुमसे कह दिया वाह तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है? किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में? किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में? कौन सुनता है कथाएं अब यहां बलिदान की? लोरियां भाने लगी हैं सभी को विश्राम की। कौन सोचे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है? किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है? दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, और देश के इस हाल का नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका,
तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। वाह 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 वाह। अभी बीच में एक फिल्म आई, क्योंकि मेरा सबका अपना अपना चिंतन मंथन है ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर के, और भारतवर्ष की गरिमा गौरव और पराक्रम को लेकर ही मैं काम किया करता हूँ। बीच में एक फिल्म आई पद्मावती, उससे पहले ये मेरा दुर्भाग्य था, और देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि मुझे नहीं पता था कि पद्मावती कौन है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस फिल्म निर्माता को जिसने हमें बताया कि पद्मावती कौन है। वाह। और वो बात संज्ञान में आई काफी विवादों के बाद, उसमें काफी लोगों ने अपने घर बनाए, काफी लोगों ने बोरे भरे, लेकिन वो विषय मुझ तक पहुंचा तो चार छह पंक्तियां लिखकर उस पर जिज्ञासा ठंडी करने से अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगा। और एक खंड काव्य तक की यात्रा माँ भगवती की कृपा से पूरी हुई। उसके कुछ हस्ताक्षर पर आपके बीच में करता हूँ, भूमिका सिर्फ इतनी सी है। इतनी कम उम्र में पद्मावती पर खंड काव्य लिखना बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां आप राम भदावर के लिए बजाएं कि उन्होंने पद्मावती जैसे विषय पर एक खंड काव्य लिखा। भूमिका सिर्फ इतनी सी है, यहाँ मात्र शक्ति उपस्थित है सदन में। एक छंद आपको समर्पित करके उसकी फिर चार से पंक्तियां रखता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ सुने। दादा रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। वाह। और ये बात मैं हाथरस में पढ़ रहा हूँ, अभी काफी फेमस रहा हाथरस कुछ चीजों को लेके, बलरामपुर राजस्थान। कितने अक्षम, कितने अधीर, कितने कुबुद्ध, कितने कुवंश, कितने कायर, कितने द्रोही, कितने शापित, कितने कुवंश, कितनी करतूतों पर कितने पछता कर बैठ गए हैं हम। हम चले कहां से और कहां पर आकर बैठ गए हैं। वाह। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान जो हुए है केश, एक बार इनमें से क्रोध बरसाइए। एक बार फूल को बनाइएगा शूल, और कोमल शरीर की कठोरता दिखाइए। कोमल शरीर की कठोरता दिखाइए। बेटियों कलाइयों से चूड़ियां उतार कर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। वाह। माँ भवानी रण क्षेत्र में है, उनके शरीर पर केवल मुंडों की माला है, पूरा शरीर नग्न, लेकिन आंखों में इतनी ज्वाला कि काम को देखते ही भस्म करते हैं। इतनी शक्ति मात्र शक्ति में होनी चाहिए। निवेदन कर रहा हूं कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसे आया था। वाह। रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के चित्तौड़ ले जाया गया है, गोरा बादल यहाँ बलिदान हुए। निवेदन कर रहा हूं, रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसे आया था। घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे, और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छलाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाऊ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। वाह 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 वाह। अरे वाह भाई राम वाह। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। बच्चों से मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप हैं, लेकिन बच्चों यकीन मानो तुम हार जाओगे मैं जीत जाऊंगा। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। तो हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना,
वीरों से ना जीत सको तो छुप कर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया, सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी रुकने का है मेरे आका, झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह भाई, जिंदाबाद चावड़ा जी, जिंदाबाद चावड़ा जी। वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर से ऊंचाई, आप सब डॉक्टर हैं और जीवन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत का लोहा मनवा रहे हैं, कभी गोवा जाने का प्लान हो तो कैंसिल करके चित्तौड़ जाना, वाह, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुने कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर से ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला भेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में, जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता, सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग महादेव वरदान किले के ऊपर, किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं, खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबरिए रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे। एक प्रश्न उठा इतिहास में कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए, उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न छोटा सा खड़ा करना चाहता हूं, बिना नेतृत्व की सेना, बिना राजा की सेना, मेवाड़ से चढ़कर दिल्ली जाकर अपने राजा को बादशाह के चंगुल से छुड़ा के वापस मेवाड़ ला सकती है, वो 8 महीने पर तक अपनी छाती पर दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में दे देगी, बेशक ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, खुददार नहीं थी, वाह, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, ये भारतवर्ष के ऐतिहासिक तमाम युद्धों की विवेचना है कि हमने जब भी युद्ध लड़े वो रक्षार्थ लड़े, आक्रमण कभी नहीं किया,
रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, नई पंक्तियां पढ़ रहा हूँ भाई सब याद आ रहा भैया, रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों बतलाओ हमने कहां चीटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब हमने नोचे हैं बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो या तुम्हें, जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दने काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, वाह। इतिहासों में शांत ढूंढने वालों अब कह दो वही प्रश्न उठाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। जिंदाबाद। ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत विद्युत जन बैठे हैं, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था, पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख, कथा युद्ध की सुनने में रमणी लगा करती है मगर समर्थन में शौनित की धार बहा करती है, बच्चे अनाथ होते हैं बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है, यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी, खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक युद्ध लड़े जब तक युद्ध टले, वाह। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए। इन पंक्तियों में कोरोना काल में या जीवन में कभी आपको लगे कि आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपको किसी ने आपके साथ छल कर दिया या आपको किसी ने सीढ़ी बना लिया, कभी भी खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी चाहो कहना उससे आंखों में आंखें डाल के, जितने भी चाहो स्वर्ग लोक से अस्त्र शस्त्र ले आओ, समय अभी है, जाओ और ईश्वर को सखा बनाओ, पहिया क्या धरती रथ निगले, ये काल समान बढ़ेगा हो जाए शस्त्र विहीन, किंतु फिर भी संग्राम लड़ेगा, बल से न कर सको वध तो फिर इंद्रों के छल से करना, बल से न कर सको वध तो फिर इंद्रों के छल से करना, या ओठ पकड़ कुंती माँ की नयनों के जल से करना, ईर्षा कपट अपमान गरल पीकर व्यक्तित्व गढ़ा है, वो कृपा पात्र अर्जुनो सामने शापित कर खड़ा है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए, कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना, है सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए, राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। वाह 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 राम वाह, बहुत सुंदर। तो आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है भाई साहब, प्रोग्राम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं भाई साहब। पर्ची, आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की,
क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आज न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। वाह 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 वाह, अरे वाह भाई राम वाह। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाही के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे।